हेलो प्रण, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। ये हमने एक गोभी ले ली है। अब इसको हम इसके ये डंठल हटा देंगे। इस तरह से काटना है हमें। देखिए डंठल इसके हमने हटा दिए हैं गोभी के। अब इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे। देखिए गोभी को हमने तोड़ लिया है। इसकी कली हमने अलग अलग कर लिया। अब इसे हम वॉश करेंगे। गोभी को हमने वॉश कर लिया। अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। अब इसको हमें कद्दूकस करेंगे। गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब गोभी को हम भूनेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसे हम चलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे। इसे हम भूनेंगे। इसमें हम गोभी डालेंगे। हमें उबला हुआ कसा हुआ एक आलू डालेंगे। अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हींग डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब पराठे को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। गोभी हमारी तैयार हो चुकी है। इसमें देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। पराठे के लिए आटा हमने पहले से ही लगा लिया है। इसमें नमक, ऑयल, हमने मिर्च, हींग डालकर इसमें आटा हमने पहले से ही लगा लिया है। इसे आटा हमें सॉफ्ट मलना है। आटे को टाइट नहीं मलना है, नहीं तो पराठे फटेंगे। अब हम पराठे सेकेंगे। गोभी हमारी ठंडी हो चुकी है। आटा ले लिया है, इसकी हमने लोई बना ली है और इसे हमें इस तरह से बढ़ाना है। अब इसमें हम गोभी भरेंगे और हमें इस तरह से बंद करना है मोदक की तरह। अब इसको हम बेलेंगे इस तरह से, धीरे धीरे बेलना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे हम पराठे डालेंगे, पलटेंगे। अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी ऑयल लगाना है। पराठा हमारा सिक चुका है। देखिए कितना बढ़िया सिका, एकदम खस्ता। तो पराठे हमारे बन के तैयार हैं। इस तरह से बनाइए और खाइए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। देखिए, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।